Hello guys, welcome to H2O, the A to Z of chemistry. मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स के लिए, जिसका नाम है अल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स. आज हम शुरू करेंगे इसका लेक्चर नंबर 7, बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख लिए हों. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन शुरू की थी प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, और उसमें हमने सीखी हैलोजिनेशन रिएक्शन. उस रिएक्शन से रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी पे भी डाल सकते हैं. वी विल बी रियली ग्लैड टू हेल्प यू ऑल. और नेक्स्ट आज जो हम रिएक्शन सीख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन. तो वेल, जब हमें अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन को एल्कीन से बनाना है तो हमारा सबस्ट्रेट ये एल्कीन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि एल्कीन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी. एल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मीनिंग कि एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड कैसा होता है, एक वीक बॉन्ड होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर वीकली हेल्ड टू द कार्बन न्यूक्लियाई, और इसलिए वो जल्दी से मॉलिक्यूल का पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को इजीली सप्लाई कर सकता है. इसलिए एल्कीन कैसे बिहेव करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही वो पाई बॉन्ड टूटता है वो क्या फॉर्म कर लेता है, उसकी जगह पे दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है. और उन सिग्मा बॉन्ड्स पे अगर एक पे हम H लगा दें एक पे हम X लगा दें तो ये हमारी होगी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन. सिंपल, आई थिंक कोई भी डिफिकल्टी नहीं है. तो हम क्या कर रहे हैं, एच एक्स के मॉलिक्यूल की एल्कीन को एडिशन कर रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्शंस हैं जो हमें समझनी है. सबसे पहला है कि हमारी जो एल्कीन है वो एक सिमेट्रिकल एल्कीन हो सकती है. सिमेट्रिकल का मतलब कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साइड पे जो हमारे ग्रुप्स लगे हुए हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, जैसे कि CH2 CH2 दोनों साइड बराबर, ठीक है. इसके आगे भी जो फर्दर चेन होगी वो भी क्या होगा, बिल्कुल दोनों साइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम होनी चाहिए, जितनी मर्जी लंबी हो बट सेम हो, आइडेंटिकल हो, ठीक है. तो ये हमारे सिमेट्रिकल एल्कीन. अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होगी, जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साइड पे जो ग्रुप्स लगे हैं वो डिफरेंट है, जैसे कि इस साइड पे RCH लगा है, इस साइड पे CH2 लगा है. तो दोनों केसेस में हमें जो रिएक्शंस में चीजें देखनी है अब वो सीखते हैं, ठीक है. तो हम सिमेट्रिकल एल्कीन में HX ऐड करेंगे, अगेन हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड या CH2Cl2, जो कि HX को और इसको दोनों को डिसॉल्व कर दे. फाइन, नब जब HX ऐड किया तो अभी हमने क्या सीखा कि ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा, उसकी जगह पे दो सिग्मा बॉन्ड कार्बन्स फॉर्म करेंगे, क्योंकि इसकी एक एक कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी. एक पे H लग जाएगा एक पे X लग जाएगा. दोनों ही केसेस में क्या हो सकता है, एक इधर H लग जाए या इधर X लग जाए, तो हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज बनती है. अगर अब आप इन दोनों को देखोगे तो ये कंपाउंड सिमेट्रिकल होने की वजह से बिल्कुल सेम है, इसको कोई भी फर्क नहीं है. तो हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा. जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन को देखेंगे, इसके अंदर जब हम HX ऐड करेंगे तो अगर हमने पहले कार्बन पे H ऐड किया तो ये प्रोडक्ट बना, अगर दूसरे प्रोडक्ट पे हमने H ऐड किया तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन गया दूसरी साइड पे X लग के, ठीक है. तो ये हमारे पास दो प्रोडक्ट बने. दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, मगर आप देखते क्या हो कि नीचे एक के नीचे मेजर लिखा है, एक के लिए माइनर लिखा है. तो हम देखते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट जिसपे एक्स सेकेंड कार्बन पे लगा है वो मेजर प्रोडक्ट है, ना कि वो वाला जिसके अंदर एक्स जो है वो पहले कार्बन पे लगा है, राइट. सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस इज कि हमें कोई एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि ये हमने HX को कहाँ कहाँ पे लगाना है. उसके लिए एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया, उस रूल को कहते हैं मार्कोनिकोव्स रूल, उस साइंटिस्ट के नेम के पीछे. फाइन, सो हम अब सीखेंगे कि मार्कोनिकोव रूल क्या है, और साथ ही में उससे पहले हम सीखेंगे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है. ओके,
तो हमारे पास रिएक्शन कैसा होने वाला है, एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। पिछला लेक्चर अगर आपने सुना हो तो हमने एल्कीन को क्या कहा था कि ये हमारा रिच और गुड एल्कीन है, क्योंकि अमीर भी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, और साथ ही में ये गुड भी है क्योंकि ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इसके पास हैं वो दूसरे को देने से हिचकिचाता नहीं है, बड़े आराम से डोनेट कर देता है, ठीक है। और उसके पास हमारा ये HX है, बिल्कुल जैसे जैसे कि हमारे पास पिछली बारी हेलोजन था, राइट। तो हेलोजन के दो एटम्स की जगह पे अब हमारे पास क्या है, एक एटम H का, एक एटम X का। अब इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है, X जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये H अब क्या है, ये दुखी हो गया कि मेरे वाला इलेक्ट्रॉन भी इसने अपनी तरफ खींच लिया, इसलिए अब ये क्या चाहता है, ये किसी और के साथ बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है जो इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले उसके साथ, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये क्या कहेगा, ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपना बॉन्ड ब्रेक करता हूँ। एक्स कहता ठीक है भैया कर लो, बट मैं तो ये इलेक्ट्रॉन तुम्हें नहीं दूंगा। तो वो क्या करता है, एच अपना इलेक्ट्रॉन भी इसको दे जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके पास कौन है, एल्कीन है, जो कि बहुत अच्छा है, और उसको अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं भी लेके जाएगा तो एल्कीन उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, ये एच पॉजिटिव फॉर्म होगा, ये एक्स नेगेटिव फॉर्म होगा। ये एक्स नेगेटिव ये रिलीज हो गया, और एच पॉजिटिव ने जाके कहाँ पे अटैक करना है, इस कार्बन ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। जिस पे एच पॉजिटिव अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर उस कार्बन पे चला जाएगा। इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव वाला कार्बन एच पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये बन गया CH3। अब इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ये अब हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास ये बन गया एक कार्बोकेटायन। केटायन क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बो क्यों, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये हमारा जो रिएक्शन का स्टेप है, जिसमें कार्बो केटायन फॉर्म हो रहा है, ये मेन स्टेप है इस रिएक्शन का। ये स्लो रिएक्शन होता है और ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, ठीक है। तो हमारे लिए ये कार्बो केटायन को फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस रिएक्शन के लिए। हेलोजन वाले रिएक्शन में हमने कार्बोकेटायन नहीं फॉर्म किया था, क्या फॉर्म किया था, साइक्लोहेलोनियम आयन, याद है आपको। इस केस में क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन। और जनरली आप रिएक्शंस में क्या देखोगे कि कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। ऑलराइट, अब ये कार्बोकेटायन आगे क्विकली हेलाइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि हेलाइड आयन को भी दिख रहा है कि ये मेरे से एक अनलाइक चार्ज वाला है, जल्दी से इसके साथ जाके बॉन्ड फॉर्म करूंगा, और एच की तरह मैं भी सेल्कीन के साथ जाके जुड़ जाऊंगा, ठीक है। तो दोनों में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, और हमारे पास ये CX बॉन्ड बन गया, और हमारे पास क्या आ गया, एक अल्काइल हैलाइड। फाइन, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू पीपल। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है इस रिएक्शन की, वो क्या है कि हमें एक कार्बोकेटायन फॉर्म करना है, और एक ऐसा कार्बोकेटायन फॉर्म करना है कि जो कि ज्यादा स्टेबल हो। अगर वो ज्यादा स्टेबल होगा तो वो जल्दी से फॉर्म भी होगा, और जो उससे बनेगा प्रोडक्ट वो ज्यादा भी बनेगा। फाइन, अब ये केस हमारे पास क्या है, एक सिमेट्रिकल एल्कीन का। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करेंगे तो अब हमें क्या याद नहीं रखना है, हमें याद ये रखना है कि हमने H कहाँ पे लगाना है और X कहाँ पे लगाना है, क्योंकि दोनों में से एक प्रोडक्ट मेजर बनने वाला है और एक प्रोडक्ट माइनर बनने वाला है। तो उसके लिए जो हमें रूल दिया गया वो है मार्कोनिक ऑफ रूल, जिससे हमें जल्दी से मालूम लग जाएगा हमने H कहाँ लगाना है और X कहाँ पे लगाना है। तो मार्कोनिक ऑफ ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हेलोजन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल को कहाँ पे लगाओ, उसको वहां पे लगाओ जिस कार्बन पे हाइड्रोजन सबसे कम है। देखना किसको है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाले हाइड्रोजन्स को देखना है। जिस साइड पे हाइड्रोजन कम लगे होंगे वहां पे आपने उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को जाके अटैच कर देना है। उसको नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारे पास इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, प्रोपीन का।
ठीक है, तो प्रोपीन में HBr के साथ रिएक्शन हुआ तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, H पॉजिटिव बनेगा, Br नेगेटिव बनेगा। H पॉजिटिव ने जाके एल्कीन पे अटैक किया, या इस कार्बन पे करेगा या इस कार्बन पे करेगा। अगर इस वाले कार्बन पे करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसफर होंगे तो ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये वाला कार्बोकेटायन बना, जो कि एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, क्योंकि हमारे सेकेंडरी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर ये वाला H पॉजिटिव जाके ये वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे, इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये दोनों कार्बन नेगेटिव चार्ज वाला, H पॉजिटिव चार्ज वाला, दोनों बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला कार्बोकेटायन बना, जो कि एक प्राइमरी कार्बोकेटायन है। अब इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन पे क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ये दो मिथाइल ग्रुप्स हैं जो कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे और इसको ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे। इस केस में सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है जो कि इसको स्टेबलाइज करेगा। जैसे जैसे चेन लंबी होती जाती है उतना उतना ये वाले कार्बन का इफेक्ट क्या होगा, इंडक्टिव कम होगा। ठीक है, तो ये वाला सिर्फ एक कार्बन है बेसिकली जो कि इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे दो हैं, टर्शरी के अंदर तीन हो जाएंगे, तो सबसे ज्यादा टर्शरी स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, राइट? सो दिस इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन इंडक्टिव इफेक्ट इन क्लास 11। मैंने सिर्फ उसको रिवाइज कराया है, ठीक है, नई चीज तो नहीं बताई। चलो, अब हमारे पास ये वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, ये हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। जब ये बन जाएगा तो ब्रोमाइड आयन के साथ क्विकली ये रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, 2-bromo-propane, राइट? तो अब आपको समझ में आ गया कि जहां पे सेकेंडरी कार्बन पे ब्रोमीन लगा वो वाला स्टेबल क्यों और दूसरे वाला माइनर प्रोडक्ट क्यों। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पे ब्रोमीन जब एक्ट करेगा 1-bromo-propane बनेगा, दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी केटायन। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि मोर स्टेबल इज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, मोर इजिली इट इज गोइंग टू बी फॉर्म एंड हायर इज गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम इट। इसलिए क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल तो 2-bromo-propane हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो अब हम मार्कोनिकोफ रूल को किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होनी है वो क्या इन्वॉल्व करता है, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। हम सबसे पहले स्टेबल कार्बोकेटायन चूज करेंगे और उसके ऊपर हम अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट फॉर्म ऐड कर देंगे। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू पीपल नाउ। सो नेक्स्ट लेट अस सी द रिएक्शन ऑफ एन एल्काइन। तो एल्काइन और HX के अंदर भी रिएक्शन बिल्कुल सेम मैकेनिज्म फॉलो करेगा, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं होगा। हम सेम प्रोसीजर को, मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करते हुए इस रिएक्शन को करेंगे। अब हमारे पास ये एल्काइन है, एल्काइन में आप देख रहे हो इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो H कहाँ पे ऐड होगा, H यहाँ पे ऐड होगा इस साइड पे, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है। X यहाँ पे ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हमने कहाँ पे इसको लगाना था, हमने इसको वहां लगाना था X को, जहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन के कम है। एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करके एक फॉर्म होगा ये वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगेन अब एक ये और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि अभी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे अब आप अगेन देखोगे कि कौन सा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साइड पे हाइड्रोजन कम है, इस वाले पे हाइड्रोजन कम है। तो हम X को फिर से यहाँ पे लगा देंगे, H को इस साइड पे लगा देंगे, हमारे पास ये मॉलिक्यूल बनेगा। अब आप क्या देख रहे हो, इस कार्बन पे ही दोनों हेलोजन एटम्स अटैच्ड है और ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक जेमिनल डायहैलाइड। हेलोजिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था क्या बना था, विसिनल डायहैलाइड। इस केस में क्या बन रहा है, जेमिनल डायहैलाइड। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको एक विसिनल डायहैलाइड चाहिए होगा तो उसकी हेलोजिनेशन करना, अगर आपको एक जेमिनल डायहैलाइड चाहिए तो आप उसकी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कर दोगे और आपको अपना रिजल्ट मिलेगा। परफेक्टली क्लियर। नेक्स्ट, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि आपको याद रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और जनरली बच्चे उसको गलत करते हैं।
कैसे अब मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास ये एग्जाम्पल है 2-methyl-1-butene का। इसमें हमने HX को ऐड किया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हमने देखा, कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा। मैं यहाँ पे बात क्या करूंगी, पहले कार्बोकेटायन की। आप इसको याद रखोगे तो हमेशा आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो कार्बोकेटायन कौन सा फॉर्म होगा, जिस साइड पे हाइड्रोजन कम होंगे। इस वाली साइड पे हाइड्रोजन कम है, इधर एक है इधर दो है, तो हमें कहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म करना है, हमें इस वाले पे कार्बोकेटायन फॉर्म करना है। इस साइड पे हम एच को एड कर देंगे और जहां पे कार्बोकेटायन बना है वहां पे हमने उसको एक्स को लगाना है, ठीक है। तो ये वाला है जो हमारा कार्बोकेटायन बनेगा। अगर हम यहाँ पे X लगाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा 2-bromo-3-methyl-butene। मगर ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, क्यों नहीं होता। अगर अब आप यहाँ पे देखोगे, ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, इसके साथ वाला कार्बन देखो, इस ये वाला साथ वाला कार्बन क्या है, एक टर्शरी कार्बन है। आपको मालूम है कि जो टर्शरी कार्बन होता है, टर्शरी कार्बोकेटायन है, वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है। अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि ये टर्शरी कार्बोकेटायन बन जाए सेकेंडरी की जगह, तो आपको ये मालूम है कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनेगा, ज्यादा यील्ड आएगी उसकी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक 1-2-hydride शिफ्ट करेंगे, मीनिंग ये वाला जो हाइड्रोजन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ लगा, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जब शिफ्ट किया तो ये CH2 बन जाएगा और हमारा पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, टर्शरी कार्बन पे। अब ये टर्शरी कार्बोकेटायन सेकेंडरी कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है और यहाँ पे जब हैलाइड आयन रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसकी यील्ड डेफिनेटली बेटर होगी, ठीक है। और ये जल्दी रिएक्शन भी होगा और हमारा प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा, अब ये क्या बनेगा, 2-bromo-2-methyl-butene, ना कि 2-bromo-3-methyl-butene, ओके। और ये जनरली क्वेश्चन आता है और बच्चे उसको गलत कर जाते हैं। आप यहीं पे आंसर लिख दोगे क्योंकि आपने मार्कोनिकोफ पढ़ा था, आपको वो याद था और आपने जल्दी से लिख दिया। प्लीज डू नॉट कमिट दैट मिस्टेक। मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करते हुए एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले कार्बोकेटायन बनाना, देखना उसके आजू बाजू के कार्बन, अगर वहां पे कोई भी हायर डिग्री वाला कार्बोकेटायन बनता है तो आप 1-2-hydride शिफ्ट करो। सिमिलरली इस हाइड्रोजन की जगह पे एक मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, हम उस मिथाइल ग्रुप को भी यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं और एक और स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं 1-2-methyl शिफ्ट, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू रिमेम्बर दिस। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अब हम वहां पे क्या सीखेंगे, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट लेक्चर और बहुत सारी उसमें रिएक्शंस और भी सीखेंगे एल्कीन्स एल्काइन्स के। तो प्लीज बी विद मी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली H2O चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा हमारे चैनल की तरफ से, और जब भी मैं आपके लिए नया लेक्चर पोस्ट करूंगी आपको पता लग जाएगा कि मैम ने लेक्चर पोस्ट कर दिया और आप उसको जल्दी से देख लेंगे, ठीक है। अगर कोई आपको डाउट हो प्लीज आप हमें मेल कर सकते हैं h2ochemistry@gmail.com पे, कमेंट सेक्शन में भी उसको पोस्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट आपका ऐसा नहीं होगा जिसको हम अटेंड नहीं करेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, दैट इज आवर ओन मोटिफिकेशन, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और ये वाला लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक भी करके जाइएगा, बहुत मोटिवेट करता है और आपके लिए बेटर लेक्चर्स बनाने के लिए। सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।